गल्फ पाकिस्तान की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अर्शद तहसीन, आप देख रहे हैं गल्फ पाकिस्तान टैलेंट की खोज में। आज मेरे पास एक बहुत ही सुरीली लता मुकेश की कॉपी, ऐसा यूनिक टैलेंट लेकर आए हम गल्फ पाकिस्तान पर जिसको देख कर आप दंग रह जाएंगे। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं आज हानिया अली जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक। हानिया, सिंगिंग की तरफ आना कैसे हुआ? मुझे बचपन से ही शौक था, एक लगन थी मुझ में, मैं सीखना चाहती थी। ये मेरे मतलब शौक मेरी अम्मी को था लेकिन वो नहीं कर सकी। अब उन्होंने मुझे यहाँ तक मुझे उन लोगों ने फोर्स किया, मेरी अम्मी ने, मेरे पापा ने, और आज इस मुकाम पे मतलब मुझ में जो शौक पैदा हुआ उनकी वजह से ही है। हानिया, कब लगा आपको कि आप अच्छा गा सकती हैं? मुझे लगा तो नहीं, मतलब स्कूल में नाते वगैरह कोई फंक्शन वगैरह करती थी तो उन्होंने मुझे आइडिया दिया था कि अच्छा गाओ, आप आगे बढ़ो। फिर मैंने टीचिंग स्टार्ट करवा दी, मतलब सर से मैंने सीखा, फिर उन्होंने मुझे एंटरटेन किया, इस बारे में उन्होंने मुझे बताया। और आज हमें क्या सुनाएंगे अपनी खूबसूरत आवाज़ में, जो कोयल से भी ज़्यादा सुरीली है, लता मुकेश की कॉपी है, आज हमें क्या सुनाएंगे? मैं आपको सुनाऊंगी लता जी का सॉन्ग है बाहों में चले आओ। जी जरूर। बाहों में चले आओ, खूबसूरत अंदाज, बहुत खूबसूरत आवाज़। जी नाज़रीन, मैं आपकी यहाँ पे मुलाकात करवाती हूँ अली हमास से, जो इनके उस्ताज़ा हैं, जिनसे इन्होंने सीखा और जो इनके टीचर हैं, इनको बनाने वाले हैं, तो उनसे मुलाकात करवाते हैं आपकी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। कैसे स्टूडेंट है हानिया? ये बड़ी अच्छी स्टूडेंट है, बड़ी लायक है, इसकी पिकिंग बहुत अच्छी है। तो ये अभी 2 साल मुकम्मल ही हुए उसे आए हुए मेरे पास जी, जी। लेकिन 2 सालों में ये 10 साल का काम ले चुकी है। माशाल्लाह जी। अच्छा अली हमाद, मैं चाहूँगी कि आप दोनों का जो इकट्ठे सॉन्ग आया हुआ है वो हमारे गल्फ पाकिस्तान में आप सुनाएं लाइव, ताकि लोग आपको सुने और जाने कि आप दोनों की आवाज़ कितनी खूबसूरत है। जी जी ज़रूर। Oh,
माशाल्लाह बहुत खूबसूरत गाया आप दोनों ने और मेरे ख्याल में आपने सिंगिंग का हक अदा कर दिया। अच्छा मुझे ये बताएं कि हानिया जब आपके पास आई थी तो क्या इनकी आवाज़ में वैसे ही दम खम था कि आपकी ट्रेनिंग की वजह से ये हुआ है? नहीं, टैलेंट था इसमें, लेकिन ये है कि टैलेंट होता है गॉड गिफ्टेड, बिल्कुल उससे तराशना पड़ता है, गाइडेंस लेनी पड़ती है। वो चाहे मैं भी था एक वक्त, मैं भी ऐसी स्टेज से गुजरा हूँ सीखने वाली। अली हमाद आपके उस्ताद कौन थे? मेरे उस्ताद जी उस्ताद शौकत मंजूर अली खान रावलपिंडी वाले, और मेरे भी वो उस्ताद जी थे, काफ़ी बड़े फनकारों के वो उस्ताद थे, जिनमें हमारा चन्ना जी भी उनके स्टूडेंट, इब्रारुल हक भाई वो भी, और काफ़ी ऐसे नाम, तो वो मेरे टीचर थे। अभी आप कहाँ पर सिखा रहे हैं? मैं अभी होम ट्यूशन वगैरह करवाता हूँ, और एक बालटाउन में छोटा सा म्यूज़िक कॉलेज बनाया हुआ है। तो ये हानिया वहीं की स्टूडेंट है? जी। हानिया मुझे ये बताएं, मैं चाहती हूँ कि मैडम नूरजहां का सॉन्ग हो जाए। हानिया माशाल्लाह आपकी इतनी सुरीली आवाज़ है, गले की हिफाजत के लिए क्या करती है? कोयल की तरह आपकी आवाज़ है। जैसा कि मुझे सर ने मना किया हुआ, ऑयली चीज़ें नहीं खानी, ठंडा पानी नहीं ज़्यादा पीना, बस
अच्छा, तो आप, अगर आपको ऑफर हो पाकिस्तानी फिल्म से प्लेबैक सिंगिंग की, क्योंकि आपका आवाज़ बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, और बहुत कम सिंगर होते हैं जो इस एज में आके इस लेवल पे गा सकते हैं, तो अगर ऑफर हुई तो क्या क्या जवाब होगा आपका? कोई जवाब नहीं, हाँ में जवाब होगा। कि तो क्या चाहती है कि लता मकेश को ही कॉपी करके गाना चाहती हैं, या फिर किसी और सिंगर को भी आप नेक्स्ट चाहेंगी कि उन जैसा मैं बनूं? नहीं, मुझे तो ज़्यादा शौक है ना, मैं लता मंगेशकर को गाना पसंद करती हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लता को पसंद करने की क्या वजह है? आपको लगता है कि आपकी आवाज़ में उनकी टोन बोलती है या उन जैसा आप गाती हैं? जी, मुझे लगता है मुझमें कॉन्फिडेंस है, और मुझमें ये कॉन्फिडेंस मेरे सर ने पैदा किया, मुझमें नहीं था पहले, लेकिन मेरे सर ने मुझे इस बारे में बताया, उन्होंने मुझे ये सब कुछ करवाया, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरे सर ने सब। अली हमाद, आपसे पूछना चाहूँगी, पत्थर से हीरा तराश रहे हैं आप, तो क्या समझते हैं कि अगर ये चढ़ता हुआ सितारा बन गई तो आपको कैसा लगेगा? मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उभरता हुआ सितारा है ना ये हमारे लिए, तो आप क्या समझते हैं कि इसको और मेहनत की ज़रूरत है, या और इसको क्या करना चाहिए कि ये उभरता हुआ सितारा पाकिस्तान के लिए साबित हो? देखें, जहाँ तक मेहनत की बात है, वो तो सारी ज़िंदगी भी गायकी में हो तो कम है, तो ये है कि अब वक्त है, इतना है कि माशाल्लाह किसी भी स्टेज पे ये गा सकती है, इतना इसमें कॉन्फिडेंस है, तो और भी स्टूडेंट हैं ऐसे, लेकिन ये सब में थोड़ा डिफरेंट है, इसका माइंड, इसका पिक करना क्लास में, और एक दफ़ा बताना पड़ता है, दूसरी दफ़ा नहीं। अच्छा, मतलब कि अच्छी उसकी ऑब्जर्वेशन है, पिकिंग करके जी, उसके बाद उस पर गाना शुरू कर देती है। अच्छा हानिया, मुझे ये बताएं, उस्ताद कैसे हैं आपके? बहुत अच्छे हैं, मतलब पूरी एकेडमी में ज़्यादा फोकस मुझ पर करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप में टैलेंट मौजूद है, तो वो चाहते हैं कि आप आगे काम करें। बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, डांटते भी हैं, मारते भी हैं। मारते भी हैं? मैंने क्या मारना है, इसको रूं के वो बना के वो मारता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया, सही हो गया। अच्छा हानिया, मुझे ये बताएं कि आप जब सिंगिंग की तरफ आ रही है, फ्यूचर प्लान क्या है आपके? फ्यूचर प्लान का तो ज़्यादा मैंने नहीं सोचा। सिंगिंग की में फ्यूचर प्लान क्या है ना, आप ज़ाहिर है एक गायिका बनना चाहती हैं, तो आपने कुछ सोचा होगा कि मेरा फोकस पॉइंट क्या है? बहुत बड़ी सिंगर बनना चाहती हैं, कितनी, लता मकेश से भी आगे? हाँ जी जी। हानिया, आप लता मकेश को तो बहुत खूबसूरत अंदाज में गाती हैं, क्या मैडम नूरजहां को भी अच्छा गा लेती हैं? बिल्कुल, मैं चाहूँगी कि मैडम नूरजहां का कोई अच्छा सा सॉन्ग सुनाए आप। मैं सॉन्ग सुनाना चाह रही हूँ, रात फैली है। माशाल्लाह जी, ज़रूर सुनाएं, बहुत खूबसूरत गाना है। बहुत खूबसूरत अंदाज़।
जी नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। टैलेंट की खोज में एक नए टैलेंट के साथ आपसे होगी दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब गल्फ पाकिस्तान।